आज की पत्रकार परिषद में उपस्थित हमारे सांसद राहुल शिवाय जी, भाजपा के उदय कुमार शेट्टी जी, सुरेश नायक जी, मट्टा रत्नाकर हेगड़े जी, संतोष अन्ना शेट्टी, हमारी थाना की मेयर मीनाक्षीताई शिंदे, महेश ठाकुर, रत्नाकर शेट्टी, सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और उपस्थित सभी पत्रकार मित्रों, मैं आपका इस अपना उड़पी है ना, उड़पी में जिला केंद्र जो है उसमें स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों को धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि जहाँ जहाँ हमारा बैंगलोर से लेके कल से बैंगलोर में भी कई जगह पर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट का प्रचार करने को मिला और कल रात को यहाँ आने के बाद कई मीटिंग्स मैंगलोर में भी हो गई। विविध क्षेत्र में काम करने वाले जो लोग हैं उनकी भी मीटिंग हुई। आज भी धर्मस्थल जाना हुआ, वह वीरेंद्र हेगड़े जी का भी उनकी भी मुलाकात हुई, कई लोग वहाँ पर भी मिले। उसके बाद और जगह पे हम लोग कई जगह यहाँ पर लोगों से मिले हैं। बैंगलोर में भी महाराष्ट्र के मंडल बहुत बड़े पैमाने पर है। एक तो महाराष्ट्र मंडल 103 साल पुराना है और लगभग 14 से 15 मराठी मंडल महाराष्ट्र मंडल की मुलाकात हुई, उनके साथ चर्चा भी हुई, मीटिंग भी हुई। मैंगलोर में आने के बाद भी शाम को कल महाराष्ट्र मंडल जो है यहाँ पर जो महाराष्ट्र के अलग अलग ज़िले में से पिछले कई सालों से मैंगलोर में रहने वाले लोग भी मुझे मिले, उनको मिलकर भी मुझे बहुत खुशी हुई, उनको भी खुशी हो गई। और कई कैंडिडेट जो है भारतीय जनता पार्टी के उनका प्रचार यहाँ पर करने को मुझे मिला है और आज भी दो रैली है उसमें भी मैं जाऊँगा, कापू और उड़पी में। एक माहौल अगर हम लोग देखते हैं तो माहौल एकदम अच्छा माहौल है सब जगह पे पूरे कर्नाटक में। और मैं यही कहूँगा कि मोदी जी की जो हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेश मस्केवी जी का है, मैं भूल गया, और उनके रैली रोड शो जो हुआ उसमें लाखों लोग उनको मिलने आए थे, इतना बड़ा रिस्पांस था कि ये चुनावी माहौल पूरी तरह बदल गया है और सब जगह पर दिखाई पड़ रहा है लोगों की तरफ से, मालूम पड़ा हो रहा है कि अभी ये चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत प्राप्त कर लेगी। क्लियर थंपिंग मेजोरिटी भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी, ऐसा पूरा माहौल पूरे कर्नाटक में मैंगलोर हो सभी जगह पर दिखाई पड़ रहा है। और ये चुनाव सिर्फ अभी कर्नाटक का या बीजेपी का सिर्फ नहीं रहा, ये देश का चुनाव बन गया है, मोदी जी का चुनाव बन गया है, क्योंकि मोदी जी हमारे देश को महासत्ता की ओर ले जाना चाहते हैं और इसलिए उन्होंने हमारी देश की अर्थव्यवस्था, आप सब लोग जानते हो कि 11वें नंबर से 5वें नंबर पे लाने का काम किया है। आज देश की प्रगति जो हो रही, अन्य जो देश है बड़े, अर्थव्यवस्था में उनकी भी
परिस्थिति आगे पीछे हो रही है, इसके बावजूद भारत आगे बढ़ रहा है। भारत का नाम पूरी दुनिया में गर्व से लोग ले रहे हैं और भारत का नाम पूरे दुनिया में रोशन करने का काम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। आप सब लोग जानते हैं G20 का प्रेसिडेंटशिप भी हमारे देश को मिला है, ये भी हमारे सब देशवासियों के लिए गौरव की बात है। और ऐसा देखते कि जो लक्ष्य है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का $5 trillion की इकोनॉमी बनाने का, ये लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में हमारा देश जा रहा है। और इसलिए सब जनता जानती है कि देश को आगे बढ़ाना है, मोदी जी के हाथ मजबूत करने हैं, तो हर स्टेट में बीजेपी की सरकार, अलायंस पार्टी की, NDA की सरकार वहाँ पर पूरी तरह तो जैसे महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी गठबंधन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार, वैसे ही कर्नाटक में भी डबल इंजन की सरकार है पिछले 5 साल से। और 5 साल में हम देखेंगे तो मैंने तो 8-9 महीने में अनुभव लिया है कि डबल इंजन सरकार कितनी ताकतवर होती है और कितना लोगों को या राज्य को कितना फायदा होता है। क्योंकि हमारी सरकार स्थापित होने से पहले जो पूर्व सरकार थी 2.5 साल की, उस सरकार के माध्यम से 10 साल हम पीछे गए थे, लेकिन हम 8-9 महीने में फिर ट्रैक पे आ गए और अभी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इसका अनुभव मुझे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होने के नाते जरूर है। और यहाँ पर भी कर्नाटक में भी डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन की सरकार के माध्यम से जो फायदा होता है, जैसे कई प्रोजेक्ट जो रुके थे वो केंद्र सरकार के मदद से कर्नाटक में भी शुरू हुए, उसके आंकड़े बहुत मेरे पास है लेकिन मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। कई प्रोजेक्ट के लिए केंद्र सरकार ने बहुत पैसे दिए, 1000 करोड़ रुपए का जो फंडिंग है वो केंद्र सरकार ने दिया है, इसलिए कर्नाटक का भी डेवलपमेंट फास्ट हो जाएगा। कोस्टल एरिया भी है, IT हब भी है, इंडस्ट्री भी आएगी। और जैसे महाराष्ट्र में भी हम लोग ग्रोथ कर रहे हैं, इसमें ऐसी यहाँ के कई लोग, जैसे यहाँ पर जन्मभूमि कई लोगों की यहाँ पर है कर्नाटक, और कर्मभूमि महाराष्ट्र में, कई लोगों की इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री हो या और भी अन्य इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग हैं वो भी यहाँ पर आए प्रचार के लिए। और यहाँ के जो लोग हैं वहाँ रहते मुंबई, थाने, महाराष्ट्र में कई शहरों में, वो भी शिवसेना बीजेपी के साथ वहाँ पर, और उसका फायदा निश्चित रूप से इस चुनाव में होगा। और ये डबल इंजन की सरकार जो है ये फिर से आएगी और इस राज्य को आगे बढ़ाएगी, क्योंकि जहाँ पर एक राज्य में एक सरकार होती है, केंद्र में दूसरी सरकार होती है, तो विकास के लिए बहुत ही दिक्कत होती है, उसमें बाधा आ जाती है, स्पीड ब्रेकर आ जाते हैं। इसलिए महाराष्ट्र की ये कर्नाटक की जनता जो है ये जानती है सब कुछ कि आगे भी और विकास हो, इसलिए मोदी जी के हाथ मजबूत करने के लिए या फिर एक बार पूर्ण बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। और ये विश्वास है क्योंकि आप सब लोग जानते हो, सब लोग को पता है यहाँ पर राज्य का विकास केंद्र के सहयोग से होता है। और अभी प्रचार में भी आपने देखा है कि जो प्रचार के मुद्दे, जो डेवलपमेंट के मुद्दे होने चाहिए, मैं भी यहाँ पर आया हूँ शिवसेना भाजपा का अलायंस का मुख्यमंत्री की हैसियत से मैं यहाँ पर आया,
हम जब दोस्ती करते हैं तो निभाते भी हैं, और इसीलिए मैं यहाँ पर अलायंस पार्टनर के प्रचार में आया हूँ। और इसीलिए ये जो चुनाव प्रचार में देख रहे हैं आप सब लोग कि एक डेवलपमेंट का मुद्दा होना चाहिए, राज्य के विकास का मुद्दा होना चाहिए, कोई इश्यूज जो है वो होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर आने के बाद देखा कि कांग्रेस के कई नेता मर्यादा छोड़कर प्रचार कर रहे हैं, आदरणीय मोदी जी के ऊपर आरोप गलत गलत लगा रहे, कोई जहरीला सांप, कोई और क्या क्या अपशब्द बोलते हैं, मुझे भी कहना उचित नहीं लगता है। लेकिन इस देश ने हमेशा देखा है, जब जब आदरणीय मोदी जी के खिलाफ जो पार्टी ने बोला है, कांग्रेस ने बोला है, गुजरात के इलेक्शन में भी एक पिछड़ी जाति जो के बारे में अपशब्द बोला था, मौत का सौदागर, चौकीदार चोर, कहे क्या क्या उन्होंने जब जब आरोप लगाए, तब मोदी जी ने उसको आरोप का उत्तर नहीं दिया या बदला भी नहीं लिया। बदला लिया तो इस देश की जनता ने लिया है, और पूरी तरह जिनके 400 जगह तो वो 40 पे आ गए, अभी ऐसे ही करेंगे तो और कहाँ जाएंगे नीचे पता नहीं। असली कर्नाटक की जनता भी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का अपमान नहीं सहेगी, और बिल्कुल 10 तारीख को आने वाले 10 तारीख को मतदान के माध्यम से जरूर उसको जवाब देगी। और दूसरा एक बजरंग बली का मुद्दा उठाया है, अभी बजरंग दल वो उसके ऊपर बैन लगाने की बात कही है। अभी बजरंग दल एक देशभक्त संगठन है, आरएसएस देशभक्त संगठन है। जब आपदा आती है, संकट आता है, कुछ भी जरूरत होती है, कोविड जैसा हो या कुछ भी हो, तब ये बजरंग दल हो या आरएसएस हो, ये देशभक्ति दिखाते हैं, राष्ट्रभक्ति दिखाते हैं, और खुद की जान जोखिम में डालकर दूसरों की जान बचाने का काम करते हैं। तो उनकी बराबरी देशद्रोही संगठन के साथ आप कैसे कर सकते हो? और इसलिए ये बजरंग दल, मतलब अभी तो सब बजरंग बली का माहौल बन गया है, और ये बजरंग बली निश्चित रूप से एक एक नागरिक के दिल में एक जो भावना है, मोदी जी का अपमान और ये दूसरा अपमान, इसमें निश्चित रूप से कांग्रेस के जो भ्रष्टाचार है, निश्चित रूप से इसको खत्म करेगी और 10 तारीख को उनको मुंह तोड़ जवाब देगी। आप पिछले 2 दिनों से कर्नाटक में प्रचार कर रहे हैं, क्या उम्मीद रखती है कि मुद्दों पर यहाँ के मतदाता मतदान करेंगे, ऐसा रिस्पांस बीजेपी के उम्मीदवार? बिल्कुल एकदम, मैंने कहा कि जो माहौल मोदी जी के रोड शो और रैली, और कई लोग हमारे अमित शाह सर हैं, बाकी लोग भी हैं, अपने अपने जगह पर जो जिम्मेदारी निभा रहे, और उससे इतना ही पता चल रहा है कि कर्नाटक में फिर डबल इंजन की सरकार आएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का फर्स्ट नेशन और कांग्रेस का फर्स्ट करप्शन, ये जो है मुद्दा, इस पर लोग निश्चित रूप से इस चुनाव में, चुनाव के नतीजे ऐसे ही सामने आएंगे। हमने मांगा ही नहीं है, पहली बात तो हमारी भूमिका पहले स्पष्ट थी, कोई प्रॉपर्टी हमें नहीं चाहिए, हमारा बाला साहेब ठाकरे जी के विचार, यही हमारी प्रॉपर्टी है। एनसीपी का तो आप पवार साहब को पूछना चाहिए, वो पार्टी के अध्यक्ष। नहीं, मुझे अभी, मैं यहाँ पर हमारे मित्र पक्ष के चुनाव प्रचार में आया हूँ, मैं वहाँ जाने के बाद बात करेगा। लेकिन इतना ही है कि महाराष्ट्र और कर्नाटक, कर्नाटक और महाराष्ट्र जो बहुत ही मिलते जुलते संस्कृति है, छत्रपति शिवाजी महाराज के जमाने से हमारा पांडुरंग विठ्ठल जो है
अभी मैं कई जगह गया, उसका अनुभव भी मुझे मिला। तो एक संस्कृति जो है ये मिलती जुलती संस्कृति है। और कई लोग यहाँ पर 103 साल महाराष्ट्र मंडल, यहाँ मैंगलोर में 50-60 सालों से रहते हैं। तो ये अभी तो आगे भी कोविड में भी ये जो कर्नाटक के लोगों ने बहुत जब जरूरत पड़ी तब बहुत ही लोगों को मदद की है, सहयोग किया है। और इसीलिए ये चुनाव में भी बहुत ही फायदा हो जाएगा हमारे भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को। ठीक है, हाँ, अभी वो सुप्रीम कोर्ट में है सब जुडिस है, और हमारी भूमिका तो पहले ही हमने स्पष्ट की है। तो अभी सब जुडिस मैटर है, इसमें अभी मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज उड़पी का पवित्र धरती पर आए माननीय महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी को सारी उड़पी का